बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी संडे 6 अगस्त 2023 और जनाब हम लोग नीली नीली जैकटें नीली नीली एनकें लगा कर जा रहे हैं जनाब यूरोप की एक बड़े खूबसूरत मुल्क में, जिसका नाम है इटली। माय ऑल टाइम फेवरेट डेस्टिनेशन, पहले भी काफ़ी मरतबा जा चुका हूँ और लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा नए किस्से होंगे, नई कहानियाँ, नई दास्तानें और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा सफ़र खैर खरी से गुजरेगा। और इस मरतबा इस सफ़र में मेरे जो हम सफ़र हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करवाता हूँ। ज्वाइन किया जी खालिद साहब ने और शफाक साहब ने, ठीक है जी। ये मेरे दो हम सफ़र जनाब, इस व्लॉग्स के हीरो और मेरे इटली के हम सफ़र। तो खालिद साहब इंशाल्लाह इटली रवानगी है इंशाल्लाह जी। मौसम बहुत शानदार है इटली में जी, और लगता है कि हम जो हमारा 4 दिन का टूर है बहुत शानदार होगा इंशाल्लाह जी। और देखें एंड ऑफ द डे कैसा रहता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ठीक है, तो चलते हैं जी। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है अपने लॉन्ग स्टे कार पार्क में और बस ने हमें ड्रॉप किया है टर्मिनल के बाहर। ये गैटविक का साउथ टर्मिनल और ये इसकी एंट्रेंस। ये जी मैं इटली के जिस शहर में जा रहा हूँ उस शहर को बहुत से मुख्तलिफ खिताब मिले हुए हैं। बहुत ही पुराना एक सिटी जिसकी कोई सड़क नहीं, वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं, उसको सिटी ऑफ कनाल्स भी कहते हैं, सिटी ऑफ ब्रिजेस भी कहते हैं, सिटी ऑफ मास्क, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, द फ्लोटिंग सिटी वेनिस। मैं पहले भी जा चुका हूँ काफ़ी मरतबा, लेकिन ये ऐसा सिटी है कि आप इसको बेशुमार मरतबा विज़िट कर सकते हैं। ये जी हमारा गुलाबी जहाज विस एयर। जी वेनिस में तो बारिश हो रही है। जी वेलकम टू वेनिस। वेनिस के मार्को पोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है। लोकल टाइम इज़ 5:30। तो हमारा सामान वगैरह कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ छोटा सा हमने बैक पैक रखा हुआ है और पासपोर्ट पर स्टैम्प हो चुके हुए हैं। तो यहाँ से हम लेंगे अपनी गाड़ी रेंट पर और चलकर वेनिस एक्सप्लोर करते हैं। इटली में इंशाल्लाह हमारा तकरीबन 4 दिन का स्टे होगा। आज संडे है, वेडनेसडे को वापसी होगी यहाँ से। तो प्लान है कि अभी सीधा जाएंगे हम वेनिस एंड वेनिस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके रात को हमारा स्टे होगा बोलोनिया में, जो कि दूसरा एक शहर है। एंड कल का दिन हम सुबह थोड़ा सा बोलोनिया एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम सैन मैरिनो चले जाएँगे जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है इटली के अंदर ही।
सैन मरिनो देख के, फिर कल रात का स्टे हमारा पीसा में होगा, पीसा टावर वगैरह देख कर परसों इंशाल्लाह हम लोग चले जाएंगे रोम। तो फिर दो दिन हमारे फिर रोम में होंगे, तो उसके बाद रोम से ही वापसी हो जाएगी। मैं विस्क काउंटर में गाड़ी पिक करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पर आके पता चले मैंने एक ब्लंडर किया हुआ था कि गाड़ी की जो रिजर्वेशन डेट्स थी वो गलत लिखी हुई थी। आज 6 अगस्त है, तो मैंने गाड़ी 9 तारीख की बुक की हुई थी। तो एनीवे, और सबसे पता किया किसी के पास भी कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है आप कोई हमें कोई बस वगैरह कोई ट्रेन पे जाना पड़ेगा कहीं पर। तो एनीवे चल कर देखते हैं। अजीब, बड़ी अजीब सा हमने ब्लंडर किया है। गाड़ी हमने हालांकि कल मैंने खाली दिन इकट्ठे बैठ के बुक किया है, लेकिन हमने डेट चेक नहीं की, हमने 9 तारीख से गाड़ी बुक कर दी थी, तो और अनफॉर्चुनेटली गाड़ी कुछ अवेलेबल भी नहीं थी। तो चलें जी, एनीवे फर्दर प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट बस वगैरह लेते हैं इनकी, और हम लोग वेनिस वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। तो कल हमने जब बोलोनिया जाना है आज रात को, तो सुबह को गाड़ी वहाँ से ले लेंगे। अब तो अभी चलते हैं बस स्टॉप की तरफ। जी फाइनली गाड़ी मिल ही गई है, हमने दोबारा एक ऑनलाइन बुकिंग की, पहली वाली बुकिंग को कैंसिल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी इन द कार। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी है जी मैनुअल, तो लेकिन चॉइस कोई नहीं थी, तो इसी को गनीमत जानते हैं और अपना सफ़र तो कम अज़ कम शुरू करें, क्योंकि हमने कुछ घंटे गुजारने हैं यहाँ पर वेनिस में, और फिर रात को हमने बोलोनिया जाना है, और बोलोनिया वेनिस से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर के करीब है, हमें 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। तो अभी एयरपोर्ट से निकले हैं गाड़ी लेकर, सामने में लीडल नज़र आया, लीडल से हम कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, गाड़ी में रखेंगे, पानी वगैरह, कोई क्रिस्प वगैरह, कोई नट्स वगैरह, तो ताकि हम साथ साथ मंचिंग भी करते जाएं, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्यों खालिद साहब? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया जी, रुकें अब हम। जावेद साहब भी अच्छा है, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चले ज़बरदस्त जी, वेलकम टू वेनिस। थैंक यू। ये जी हमारी स्टेशन वैगन फीएट की, और ये पीछे एयरपोर्ट है जी, और ये जी हमारा लीडल, लाल है ये एक यूरो एंड 19 सेंट्स का ये वाटरमेलन दुआना, और ये चेक करने का तरीका ये होता है। सॉरी अच्छा जी, ये सब हाँ ये पकड़ने जरूरी है। ये जी वो ब्रिज जो कि समंदर के ऊपर से हमें ले जाएगा वेनिस सिटी के अंदर। लेफ्ट साइड पे आपके ट्रेन्स वगैरह चल रही हैं, और ये तकरीबन 2.5 माइल्स का ब्रिज है जी, समंदर के ऊपर बना हुआ है। राइट साइड पे हमारा समंदर चल रहा है, और सामने बिल्कुल वेनिस है। गाड़ी हमने पार्क कर दिया जी, गाड़ी मैक्सिमम इसी पॉइंट तक आ सकती है, इससे आगे सारा पानी है। तो यहाँ से पिज़ाले रोमा से हम इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, और वो लेकर अंदर सिटी में चलते हैं। हेलो, कैन आई थ्री टिकट्स टू रियाल्टो ब्रिज प्लीज? जी आप डेली पास भी ले सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए डेली पास ऑब्वियसली। ये जिनका ट्रेन स्टेशन, स्टीमर का स्टेशन, यहाँ से बोट पकड़ेंगे, ये हमें लेके जाएगी अंदर सिटी सेंटर अराउंड 10-20 मिनट्स में। और स्टेशन का नाम है जी प्लाजा रोमा। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप्स आ रहे हैं, और जिन लोगों ने उतरना है वो लोग उतर रहे हैं, और ये स्टेशंस बने हुए हैं। ये हमारा कंडक्टर है जनाब, ब्लू शर्ट वाला। Cómo aliviarme, la neta me ha ido mal y no sé.
sé cómo aliviarse. ये जी हमारा स्टॉप आ गया जी रियाल्टो। ये जी मेरे पीछे रियाल्टो ब्रिज और ये वेनिस का आप इसको सेंटर कह सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी फेमस ब्रिज और पीछे जो है ये ग्रैंड कनाल है। ये देखें आप, सो वेनिस को शाम को घूमने का अपना एक मज़ा है, अपना एक चार्म है इसका, बहुत खूबसूरत लगता है शाम के वक्त। हम लोग वेनिस की गलियों में घूम रहे हैं, छोटी छोटी गलियां हमारे पाकिस्तान में जैसे अंदरून शहर की गलियां हैं सिमिलर उसी तरह की। ये जो वेनिस है ये तकरीबन 1600 साल पुराना एक शहर है। इसकी बुनियाद रखी गई थी तकरीबन 429 AD में और ये एक बेसिकली मैन मेड आइलैंड है। टोटल आइलैंड्स हैं 118 के करीब और जिसमें 180 इसकी कनाल्स हैं छोटी छोटी जो जिस पे ये गंडोलाज भी चल रहे हैं और तकरीबन 400 ब्रिजेस हैं जिनको आप क्रॉस ओवर करके आप इन कनाल्स को क्रॉस करते हैं। काफ़ी एंशिएंट हिस्ट्री है इसकी और लेकिन महंगा भी बहुत है। ये होटल्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर रात गुजार सकते हैं और ये गलियाँ छोटी छोटी और कनाल्स। जो वेनिस है जी 1100 साल ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, उसके बाद इवेंचुअली ये इटली का एक शहर बन चुका है। हम लोग रियाल्टो से वॉक करते करते जा रहे हैं टुवर्ड्स सेंट मार्क स्क्वायर। ये जी सेंट मार्क स्क्वायर, ये मेरे पीछे जी फेमस गंडोला राइड। पूरे वेनिस में तकरीबन ये 350 गंडोलाज हैं और जो गंडोलियंस जो उनको चलाते हैं इनको, उनकी तादाद भी 400 के करीब है और वेनिशियन लॉ के मुताबिक हर गंडोले का कलर जो है वो ब्लैक ही होगा, कलर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो अंदर इसकी जो सिटिंग एरिया होता है कुछ लोगों ने ब्लू किया हुआ है, कुछ ने रेड किया हुआ है, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। दिन के वक्त ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं, इस वक्त रात का टाइम है, थोड़ा सा संडे इवनिंग है तो अभी ये गंडोला बहुत कम आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर।
ये जी मेरे पीछे फेमस हार्ड रॉक कैफे, होटल्स वगैरह बने हुए हैं एंड इट्स क्वाइट पीसफुल हियर। ये जी खालिद साहब और जावेद साहब जनाब विनस की खूबसूरती को विनस की खूबसूरती से लुत्फंदोज हो रहे हैं, क्यों जावेद साहब? जी बिल्कुल। कैसा लगा जी आपको विनस? अमेजिंग सर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। फैंटास्टिक हां जी, और बहुत अच्छी इवनिंग, संडे इवनिंग, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इससे पूरा लुत्फंदोज हुआ जाए और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह डिनर करेंगे। इंशाल्लाह जी डिनर डेफिनेटली करेंगे जी। छोटी सी तंग सी गली, ये था जी वेनिस का एक शॉर्ट सा ट्रिप, दो तीन घंटे स्पेंड किए हमने यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा शहर तो नहीं है, तकरीबन हमने सारी जगह देख ली है। तो अब इंशाल्लाह प्लान ये है कि जी वेनिस को कहते हैं खुदा हाफिज़ और चलते हैं जी बलोनिया। बलोनिया यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर्स है, हमें जाने में तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा लगेगा। आज रात का स्टे इंशाल्लाह बलोनिया में होगा और सुबह उठ के इंशाल्लाह थोड़ा सा बलोनिया एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करेंगे जी बलोनिया चलकर। बहुत शुक्रिया आपका।